और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नाइश एस के बारे में, जहां पे मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि कैसे आप नाइश एस के अंदर प्लान्स खरीद सकते हो और उन प्लान्स की मदद से बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, लाइट कॉइन, डॉज कॉइन, रेवन कॉइन जैसे अलग अलग कॉइन्स को माइन कर सकते हो। गाइस विद प्रूफ के साथ मैं बात करूंगा कितने कॉइन्स मैंने अर्न किए, क्या यहाँ पे ये 6 बिटकॉइन माइन करने का पोटेंशियल रखता है या नहीं रखता है। देखो यहाँ पे माइनिंग शॉर्ट टर्म का गेम नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको बोल देता हूँ, माइनिंग एक लॉन्ग टर्म का गेम है। आप जो है वो ये सोचोगे कि मैंने आज से माइनिंग चालू करी तो दूसरे दिन से मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे जब बिटकॉइन का प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा तब जाके जो है वो यहाँ पे आपकी माइनिंग भी यहाँ पे प्रॉफिटेबल होने वाली है। अगर आप रेवन कॉइन माइन कर रहे हो या इथेरियम क्लासिक माइन कर रहे हो, वो डिपेंड करता है यहाँ पे उसकी डिफिकल्टी के ऊपर भी, और साथ ही साथ यहाँ पे माइन कर साथ ही साथ जो है वो डिपेंड करता है कि उसका रेट क्या चल रहा है। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो के अंदर नाइश एस के बारे में विद प्रूफ के साथ हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को जो है वो एंड तक जरूर देखना। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है, टेलीग्राम चैनल के अंदर ना आप लोग मुझसे बात कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जहां पर आपको प्रॉब्लम होती है तो, और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करना क्योंकि वहां पर भी मैं आजकल अपडेट्स देते रहता हूं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, नए नए प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कौन कौन से माइनिंग प्लान्स आ रखे हैं जिनसे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने के मिल जाएंगे। बातें बहुत हो गई, लेके चलता हूं आपको नाइश एस के प्लान के ऊपर। सिंपली फ्रेंड्स मैं हूं यहां पे नाइश एस की वेबसाइट के अंदर और सिंपली आप इसको लॉग इन कर सकते हो एज अ अपनी जीमेल आईडी से ही। तो सिंपली फ्रेंड्स मेरा डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है। और परसों की वीडियो मैंने आपको बताया था कि कैसे आप जो है वो अपने लैपटॉप से ही यहाँ पे माइनिंग प्लान खरीदोगे और यहाँ पे एक बार आप इसको खरीदोगे आपको जो है वो उतने घंटे तक देखने की जरूरत नहीं है। आप ये सेम चीज अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हो, आपको जो है वो क्लाउड माइनिंग के थ्रू ही आपकी माइनिंग हो रही है, नहीं आपके स्मार्टफोन को कोई हार्म पहुंचने वाला है। जैसे हमने क्रिप्टेक्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, क्रिप्टेक्स में आपको अपना लैपटॉप लगाना पड़ता था, अपना डेस्कटॉप लगाना पड़ता था क्रिप्टो की माइनिंग करने के लिए, लेकिन नाइश एस के क्लाउड माइनिंग प्रोग्राम में ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्लाउड माइनिंग का मतलब होता क्या है। देखो यहाँ पे आप ना किसी के बड़े बड़े हार्डवेयर्स को यहाँ पे रेंट में लेते हो और वो हार्डवेयर्स आपके लिए माइन करते हैं। यहाँ पे सारा का सारा डैशबोर्ड में आपको उनको मैनेज करने का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है कि भाई आपको जो है अपना माइनिंग प्लान ऑफ करना है या ऑन करना है या कितने घंटे तक के लिए वो चालू है, उसकी हैश रेट कितना, वो हैश रेट जनरेट कर रहा है, यहाँ पे कितने रिवॉर्ड जनरेट कर रहा है, वो सब आप अपने सिस्टम के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर, अपने स्मार्टफोन के अंदर देख सकते हो। आपको सिंपली प्लान्स बाय करने होते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे जो है वो अपनी माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी देखनी पड़ती है। अब सिंपली यहाँ पे मैं आपको प्लान्स की बात करूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे प्लान्स देखने को मिल जाएंगे। अभी भी बिटकॉइन अगर आप माइन करते हो तो यहाँ पे 1.37% तक की 1:37% तक की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चल रही है। जहाँ पे आप अगर एक सिंगल ब्लॉक माइन करते हो तो उसके ऊपर आपको 6 बिटकॉइन मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे ब्लॉक कैसे काम करते हैं, देखो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो क्रिप्टो मार्केट या जो आप प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर जो कॉन्सेप्ट चलता है ना, वहाँ पे ब्लॉक्स माइन होते हैं। यहाँ पे आप जो है वो ब्लॉक्स की ट्रांजेक्शन सॉल्व करते हो जिसके बदले जो है वो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अब देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि भाई यहाँ पे ब्लॉक्स होते क्या है और कैसे यहाँ पे जो है वो आपका बिटकॉइन माइन होता है, जिससे आप इजी तरीके से समझ पाओगे। देखो यहाँ पे हम इसको कहते हैं होलविंग। यहाँ पे जब 2012 से पहले बिटकॉइन माइन होता था ना, तो यहाँ पे आपको पर ब्लॉक माइन होने पे 50 बिटकॉइन दिए जाते थे। वहीं 2012 के बाद यहाँ पे 25 बिटकॉइन पर माइन होने पे, पर ब्लॉक माइन होने पे दिए जाते हैं, जाते थे। सो 2016 में यहाँ पे देखो पर बिटकॉइन माइन होने पे 12.5 BTC यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते थे, और वहीं 2020 में 6.25 BTC प्रोवाइड किए जाते थे। ये जो हॉल्विंग होती है हर 4 साल बाद होती है ताकि बिटकॉइन की सप्लाई मार्केट में धीरे धीरे करके आए, और यहाँ पर से अगर एक साथ सारी सप्लाई आ जाएगी तो एकदम से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर चले जाएगा। तो जब भी यहाँ पे हॉल्विंग आती है ना, तो यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस अराइज डेफिनेटली होता है। लेकिन दोस्तों वहीं मैं माइनिंग प्लान्स की बात करूं तो अगर आप आज की डेट के हिसाब से यहां पे एक बिटकॉइन का ब्लॉक माइन करते हो तो उस केस में आपको 6.187500 के आसपास बिटकॉइन रिसीव होने वाले हैं। लेकिन क्या आप एक सिंगल प्लान यहां से खरीदते हो तो आपको जो है वो यहां पे बिटकॉइन मिल सकते हैं, या अगर आप एक ब्लॉक भी माइन कर देते हो तो आपको इतने जो है वो यहां पे 6.18 BTC मिल जाएंगे। देखो ऐसा नहीं है, यहां पे इन लोगों ने क्या करा है, यहां पे इनको एज अ शेयर्स के फॉर्म में रखा हुआ है। मतलब यहां पे ना आप मैक्सिमम, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे मैक्सिमम जितना भी हो सकता है डालता हूँ, 25, 23, 25, 34, 35 जितना भी है, और यहाँ पे ऐड करता हूँ। इनके 3 प्लान हैं, आप यहाँ पे अपने एंड से देख लेना। एक है यहाँ पे इनका स्मॉल वाला, जहाँ पे एक
प्लान की कीमत है 2.52 यूरो के आसपास, वहीं दूसरा प्लान है जिसकी कीमत है 25.20 यूरो के आसपास, वहीं एक लार्ज प्लान है जिसमें 100 शेयर्स है, मतलब एक साथ 100 प्लान्स है, जिसकी कीमत है यहाँ पे 251 यूरो के आसपास। लेकिन दोस्तों वहीं मैं बात करता हूँ इनकी, यहाँ पे देखो अगर आप 212 शेयर्स खरीदते हो या 212 पैकेज खरीदते हो तो उस केस के अंदर आपको जो है वो इनको $15,000 के आसपास पे करना पड़ेगा, 15,000 यूरो के आसपास पे करना पड़ेगा। इंडियन रुपीस के हिसाब से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो बैठता है आज की डेट के हिसाब से 13,52,671 रुपीस के आसपास। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जैसे ज्वाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे प्लान्स देखने के लिए मिलेंगे। एक होगा स्मॉल वाला प्लान्स, जहाँ पे इनका एक पैकेज है जिसकी कीमत है 2.52 यूरो के आसपास, इंडियन रुपीस के हिसाब से मैं आज की डेट के हिसाब से उसको कन्वर्ट करता हूं तो यहां पे ये बैठता है 221 रुपीस के आसपास। लेकिन वहीं पर ही एक मीडियम प्लान है जहां पे 10 पैकेज एक साथ इंक्लूड होके आ जा रहे हैं, जिसकी कीमत यहां पे 25.20 यूरो के आसपास पड़ रही है। और साथ ही साथ एक बड़ा लार्ज प्लान है जहां पे 100 पैकेज है या 100 शेयर्स आप इनको कह सकते हो, जिनकी कीमत यहाँ पे 251 यूरो के आसपास पहुंच जाती है। अगर आप इनके सारे के सारे के प्लान ये एक बार के लिए ले लेते हो जहाँ पे आपके माइनिंग रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट ना भी हो, तो भाई यहाँ पे ओवरऑल प्राइस पर ओवरऑल शेयर्स यहाँ पे होते हैं 213 और इनकी कीमत होती है 15,474 यूरो के आसपास। और ये इंडियन रुपीस के हिसाब से आप यहाँ पे से देख सकते हो इनकी कीमत है 13,59,684 रुपीस के आसपास। अगर आप ये सारे के सारे यहाँ पे प्लान्स खरीद लेते हो तो यहाँ पे आप जो है वो इसका 1/3 प्लान ही, मतलब 1/3 जो है वो स्पेस ही खरीद पाओगे। और यहाँ पे ओवरऑल एप्लीकेंट कितने हैं, यहाँ पे ओवरऑल शेयर कितने हैं मार्केट के अंदर, पैकेज कितने हैं खरीदने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो 2,147 शेयर्स अवेलेबल हैं। मतलब अगर आप ये सारे के सारे प्लान्स एक बार खरीद लेते हो ना, तब जाके आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है कि भाई यहाँ पे आप जो है वो 6 BTC एक ब्लॉक के अंदर माइन कर सकते हो। और फ्रेंड्स देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे ज्वाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो आपको बहुत से प्लान्स देखने को मिल जाएंगे। एक होगा स्मॉल वाला प्लान्स और एक होगा मीडियम प्लान्स और एक होगा लार्ज प्लान। लेकिन प्लान से पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि भाई ओवरऑल स्पेस कितनी है यहाँ पे हमारी, हम जो है अगर उनके प्लान्स खरीदते हैं तो हम यहाँ पे कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे या हमको कितने ओवरऑल प्लान कितने यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे देखो ओवरऑल प्लान है 2,147 प्लान्स, ठीक है। अब ओवरऑल पैकेज यहाँ पे बचे हुए हैं इतने 1,933, 68 लोगों ने यहाँ पे खरीद लिया है, ऑलरेडी खरीद लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप सारे के सारे प्लान्स अगर खरीदते भी हो ना, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आप यहाँ पे सारे के सारे प्लान्स भी अगर आप खरीदते हो तब जाके यहाँ पे आपकी कहीं पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर आप जो है वो मिलके एक ब्लॉक माइन करते हो, मतलब आप अकेले माइन नहीं करोगे, यहाँ पे आपके साथ पूरी की पूरी टीम माइन करेगी और ये पूरा का पूरा ड्यूरेशन होगा 4 घंटे का। अब 4 घंटे के अंदर आपने जितने भी प्लान्स बाय करे, आपके साथ जितने भी लोग हैं वो माइन कर रहे हैं, तो उसमें से अगर किस आप सबने एक ब्लॉक माइन किया तो 6 बिटकॉइन रिवॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये 6 बिटकॉइन रिवॉर्ड आपके खाते में नहीं आएंगे, ये यहाँ पे सबको डिस्ट्रीब्यूट होंगे जो जो यहाँ पे माइन कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एक सिंगल प्लान भी लेते हो तो हो सकता है कि भाई यहाँ पे आप जो है वो एक ब्लॉक माइन कर लो, अगर आप वहीं 2 प्लान लेते हो तब भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है माइन करने की। अब यहाँ पे मैंने परसों एक प्लान को बाय किया था, जिससे कि आप इजी तरीके से समझ पाओगे, मैं सिंपली जो है वो यहाँ पे अपने कंप्लीट वाले प्लान के अंदर लेके चलता हूँ आपको। अब फ्रेंड्स ये है मेरा वो प्लान जहाँ पे प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है कि भाई यहाँ पे कितना ब्लॉक रिवॉर्ड दिया जा रहा था एक ब्लॉक को माइन करने के बाद बिटकॉइन कैश के ऊपर। 1 घंटे का माइनिंग ड्यूरेशन था, जहाँ पे आप देख सकते हो 231 शेयर्स अवेलेबल थे या 231 पैकेज अवेलेबल थे, जिसमें से मैंने एक पैकेज बाय किया था जिसकी कीमत यहाँ पे थी 2.52 यूरो के आसपास। मैं इंडियन रुपीस के हिसाब से आपको दिखा देता हूँ, ये बनता है यहाँ पे 221 रुपीस के आसपास, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो मैं पोटेंशियल रखता था अर्निंग करने का इतना 5.92 यूरो के आसपास, मैं यहाँ पे इसको डालता हूँ 520 रुपए के आसपास, इतना मैं पोटेंशियल रखता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो, एक है डिफिकल्टी रीच, दूसरा है क्लोज टू रिवॉर्ड, तीसरा है रिवॉर्ड, तीसरा है यहाँ पे ओपन ब्लॉक और है नेटवर्क डिफिकल्टी। ये नेटवर्क डिफिकल्टी का उतना बड़ा गेम नहीं है, साथ ही साथ है एक डिफिकल्टी रीच्ड। अब यहाँ पे डिफिकल्टी रीच्ड का मतलब क्या है ये समझना, जितने ज़्यादा लोग माइन करने आएंगे उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी बढ़ेगी। अब यहाँ पे इस केस के अंदर देखो, सब केस के अंदर डिफिकल्टी बढ़ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं माइन भी कोई भी रिवॉर्ड नहीं कर रहा था, लेकिन एक था क्लोज टू रिवॉर्ड, 98% चांसेस थे कि भाई मैं अपने 100% माइन करने के क्लोज में था। लेकिन मेरा प्लान क्या था, कम था, एक ही पैकेज का था, तो यहाँ पे मैं माइन नहीं कर पाया।
अगर ये 100% हो जाता तो मेरे पास यहाँ पे एक क्लेम करने का ऑप्शन आ जाता जहाँ पे से मैं इतना अमाउंट अर्न कर लेता, ठीक है। लेकिन ये कमिटमेंट नहीं है कि भाई आपने $2 लगाया या 2.52 यूरो के आसपास लगाया तो आप अर्न नहीं कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। ये डिपेंड करता है डिफ़िकल्टी के अंदर, डिपेंड करता है कि भाई यहाँ पे आपका नेटवर्क कैसा है, आपका नहीं सामने वाली माइनिंग कंपनी का या आप कह सकते हो माइनिंग फार्म का, और साथ ही साथ जो है वो कितने रिवॉर्ड्स उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इस केस के अंदर कुछ भी अर्न नहीं किया, लेकिन हाँ अगर मैं वहीं पर ही बाय करता यहाँ पे बिटकॉइन कैश के 2 से 3 शेयर, तो यहाँ पे मुझे बता देता कि भाई अर्निंग करने का पोटेंशियल कितना है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई ये अर्निंग करने का पोटेंशियल है, आपकी एस्टिमेटेड अर्निंग हो सकती है, यहाँ पे इससे नीचे भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। गारंटी ये नहीं लेते हैं कि भाई इस केस के अंदर आपकी इतनी अर्निंग होगी, लेकिन अगर मान लो डिफिकल्टी कम है, सिंगल आप ही माइन करने वाले हो, ठीक है, प्लान सिर्फ और सिर्फ आप ही माइन करने वाले हो, तो उस केस के अंदर आपकी यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे। हो सकता है आपने यहाँ पे $1 का प्लान लिया हो या $2 का प्लान लिया हो, आप उससे पूरा का पूरा 1 बिटकॉइन भी माइन कर लो, लेकिन यहाँ पे बहुत कम होता है, 25 साल या 10 साल या 15 साल में एक ही बार ऐसा होता है, वो भी किसी एक बंदे के साथ। आपने USB माइनर्स के बारे में सुना है ना, USB के थ्रू भी माइन होता है, आपकी पेनड्राइव जैसी एक पूरी की पूरी मशीन्स होती है एंड माइनर वालों ने बनाई है बिटमेन ने, तो यहाँ पे आप उसको अपने सिस्टम के अंदर लगा लो और वो बिटकॉइन माइन करती है। अगर उसके हाथ में एक ब्लॉक लग गया तो भाई 6 बिटकॉइन आपकी जेब में आ जाएंगे पूरे के पूरे। लेकिन वैसा ही इसके केस में भी है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको बताएगा कि 1:12 की है, आप कितना अर्न कर सकते हो, कितना माइनिंग ब्लॉक रिवॉर्ड्स यहाँ पे चल रहे हैं और आपका कितना पोटेंशियल है। यहाँ पे श्योरिटी ये लोग नहीं देते हैं कि भाई यहाँ पे आप इतनी अर्निंग कर लोगे, लेकिन जिसको भी यहाँ पे क्लाउड माइनिंग प्लान खरीदना है या आप कह सकते हो माइनिंग प्लान खरीदना है, यहाँ पे से आप रेवन कॉइन माइन कर सकते हो, बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, लाइट कॉइन, डॉज कॉइन और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं अवेलेबल, आप जो है वो यहाँ से माइन कर पाओगे। बाकी जिसको भी समझ में नहीं आया है तो भाई टेलीग्राम चैनल खुला हुआ है, वहाँ पे जाके जो है वो अपनी क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। मेरे हिसाब से गाइस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये आप लोगों के लिए, मैं समझता हूँ, मेरे को यहाँ पे इसी तरीके से पता है क्योंकि मैं यहाँ पे इन सब चीज़ फील्ड में काम करता हूँ। मैं आपको समझा पाया नहीं समझा पाया मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे एंड से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई हो समझाने के ऊपर। आप ये समझ सकते हो कि ये चांस के ऊपर नहीं है, ये डिफ़िकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है, साथ ही साथ जो है वो माइनिंग रिवॉर्ड्स क्या चल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप $1-2 का प्लान खरीदते हो सकता है कि आप जो है $6 भी अर्न कर लो अगर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर चले जाता है, बिटकॉइन कैश का प्राइस ऊपर चले जाता है या लाइटकॉइन का प्राइस ऊपर चले जाता है। अगर यहाँ पे आपके हाथ में कोई भी रिवॉर्ड नहीं लगा तो यहाँ पे आपके पैसे डूब भी जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा गेम करता है मार्केट प्राइस के ऊपर और डिफिकल्टी के ऊपर। तो यू फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सब चीज़ क्लियर हो गया होगा इन सब चीज़ों के बारे में, नाइश हैश के प्लान के बारे में। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, वहाँ पे मुझसे सारी चीज़ें पूछ सकते हो। तो यू फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इस वीडियो पर एंड करते हैं, धन्यवाद।